हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, मैंने दराज से ये वाला माइक ऑर्डर किया था K8। तो इसका मैंने रिव्यू किया था, पर इसमें जो एक मसला था मेरे साथ वो आप लोगों को मैं बताता चलूँ। यहाँ पे जो इसका जैक था वो टाइप सी था और मेरा जो मोबाइल है वो है माइक्रो पिन, जो एक नॉर्मल मोबाइल होता है वो था। तो मुझे यहाँ पर मेरा ये जो माइक था मेरे मोबाइल में नहीं चल रहा था, क्योंकि मैंने दूसरे मोबाइल में चेक किया था जो टाइप सी वाला था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपना मोबाइल दिखा दूँ, यहाँ पे जो मेरा मोबाइल है वो है नॉर्मल। यहाँ देख सकते हैं एक माइक्रो जो होता है, और यहाँ पे जो इसकी पिन है, एक तो हमें जैक मिला था आईफोन का, ये देखिए यहाँ पे ये नहीं लगा सकते हम। उसके बाद जो दूसरा हमें इसके साथ जो मिला था ये टाइप सी है, तो ये भी नहीं लगा सकते। तो इसके हल के लिए मैंने दराज से दोबारा ऑर्डर किया था इसका जैक, यानी टाइप सी टू माइक्रो, वो मैंने ऑर्डर किया था दराज से 350 रुपये का, जो कि अब मेरे पास पहुंच चुका है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये देखिए यहां पे दराज से मैंने इसको ऑर्डर किया, तो इसका रिव्यू करने वाला हूं कि कनेक्टर के बाद ये हमारे मोबाइल में चलता है या नहीं। अगर आपके पास भी टाइप सी के अलावा जो नॉर्मल मोबाइल होते हैं माइक्रो पिन है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला कनेक्टर से ये हमारे मोबाइल में माइक चलता है या नहीं। तो ये देखिए ये 350 रुपये का पड़ा है मुझे, तो इसको मैं खोल लेता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि ये चलता है या नहीं। इसको फटाफट खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जैक हमें मिला है, जो कि 350 रुपये का दराज से ऑर्डर किए हैं, टाइप सी टू माइक्रो। यहाँ से पीछे हम इसको लगा देंगे अपने इस जैक को लगाने के बाद जो है फिर हमारे मोबाइल में, एक नॉर्मल मोबाइल में ये चलेगा। तो देखें सिंपली ये 350 का। अगर आप भी परेशान थे कि आपका मोबाइल टाइप सी नहीं है, तो आप ये जैक को मंगवा सकते हैं ऑर्डर देके दराज से। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये इस तरीके से इसमें लग जाएगा, उसके बाद हम यहाँ सिंपली अपने मोबाइल में यूज़ कर पाएंगे। देखिए अब यहाँ पे सिंपली इसको लगा के हम यूज़ कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या ये हमारे नॉर्मल कैमरे में चलता है, या इसके लिए दोबारा से हमें ओपन कैमरा डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इसको लगाने के बाद सामने हमें ये OTG का ऑप्शन मिल गया। तो सबसे पहले तो OTG के ऑप्शन को ऑन कर लेना है। यहाँ से सिंपली सेटिंग में जाना है, जैसे ओके करेंगे यहाँ से OTG का ऑप्शन जो ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे ये जो माइक है ये सिर्फ़ और सिर्फ ओपन कैमरे में वर्क करता है, मोबाइल का जो जेन्युइन कैमरा होता है उस पर वर्क नहीं करता। तो यहाँ देखिए ऑन हो चुका है, ये लाइट भी जल चुकी है, इसका मतलब ये काम करेगा। तो सबसे पहले तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसको सिंपली यहाँ से ऑन करना है बटन से, जैसे यहाँ बटन दबाएंगे ग्रीन लाइट जल जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारा माइक कनेक्ट हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं इसको, इसकी व्यूज़, इसकी वॉइस चेक करवाते हैं। तो ओपन कैमरा ऑन कर लेते हैं, अब इसका रिव्यू देखें आपके इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आवाज़ आ रही है आपको, इसी माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कनेक्टर आपको दिखाया था। यहाँ पे देख सकते हैं यही माइक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस माइक से रिकॉर्ड हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टर जो हमने मंगवाया था ये सही काम कर रहा है हमारे एंड्रॉयड पिन पे, यानी माइक्रो पिन पे ये काम कर रहा है। ये जो हमने माइक मंगवाया था ये था टाइप सी, जो कि हमारे मोबाइल में नहीं लग पा रहा था। हमने एक कनेक्टर मंगवाया जो कि दराज से मिला 350 रुपये का, उसके बाद ये जो माइक है हमारे फ़ोन में वर्क कर रहा है। तो आप भी ये, आपके मोबाइल में अगर टाइप सी नहीं है तो इस कनेक्टर को मंगवा के आप अपने मोबाइल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो फ्रेंड वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।